हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अलजेब्रा के कुछ बेसिक ट्रिक्स की जो यूज़फुल हैं एसएससी के बहुत सारे क्वेश्चंस को करने के लिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 देन फाइंड आउट x टू द पावर 30 प्लस 1 डिवाइड बाई x टू द पावर 30। तो हमें याद रखना है ऐसे में जब हमें जो टर्म यहाँ है वही 1 डिवाइड बाई वही टर्म यहाँ पर इक्वल टू 2 दिया हो, तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है अगर हम 1 पुट करें तो आप देख सकते हैं 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 यानी 2 आ जाएगा। तो ऐसे सवाल में x की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 आती है। तो अभी हम देख लेंगे प्रोसीजर पे पूरा, इसको प्रोसीजर वाइज जब हम करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 कैसे आती है। बट ट्रिक्स के लिए हमें याद रखना है कि यहाँ पर जब ऐसा क्वेश्चन का फॉर्मेट हो तो x की वैल्यू क्या होती है, 1 यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर कोई सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जैसे x की पावर 30 है तो x की वैल्यू है 1, तो 1 टू द पावर 30 प्लस 1 डिवाइड बाई x, x यानी कि 1 उसकी पावर 30। तो यहाँ पे x की 1 की पावर कुछ भी हो कितना आएगा, 1 होगा प्लस 1 डिवाइड बाई 1 यानी कि 1, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 2। अगर हम इसको प्रोसीजर से करें तो ये कितना टाइम लेगा हम देख सकते हैं। देखिएगा इसको प्रोसीज को करने का प्रोसीजर क्या होगा, हमारे पास है x प्लस 1 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। अब 2x को यहाँ हम माइनस में लाएंगे तो ये टर्म क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर हम इसको फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म्स में से, तो यहाँ जाएगा x माइनस 1 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन आएगा तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू आएगी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से हमें मिलेगी x की वैल्यू 1 और 1। तो हमें इतना लंबा करना पड़ेगा, फिर हम इसको यहाँ पुट करेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम ये ट्रिक याद रखें कि जब भी हमारा फॉर्मेट सवाल का कुछ ऐसा हो कि सेम टर्म यहाँ और यहाँ हो, ऊपर वहाँ 1 हो और इसके इक्वल 2 हो, तो x की जो वैल्यू आती है। अब मान लीजिए हमारा अगला जो सवाल यही होता, अगर हमें दिया हुआ है x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 और हमें बताना है x की पावर 289 प्लस 1 डिवाइड बाई x की पावर 289 प्लस 5, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम देख सकते हैं यहाँ से ये प्लस 2 ही दिया हुआ है, ये दोनों टर्म सेम है, तो यहाँ से x की जो वैल्यू होगी वो होगी 1। अपने ट्रिक से देख सकते हैं हम, तो यहाँ पर 1 टू द पावर 289 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 टू द पावर 289, यहाँ 1 की पावर कुछ भी हो 1 होगा प्लस 1 डिवाइड बाई 1 टू द पावर 289 1 होगा, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 2। तो इतनी टर्म का आंसर हमारे पास आ गया 2, प्लस में यहाँ पर क्या है 5, तो इसमें हम 5 जोड़ सकते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 प्लस 5 यानी कि 7। अब जो सेकंड ट्रिक है वो कुछ इस टाइप के सवाल के लिए, अगर मान लीजिए x प्लस 1 डिवाइड बाई x की पावर प्लस 2 ना देके माइनस 2 दी हुई होगी, यहाँ से आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे माइनस 1 पुट करूँ, x बराबर क्या पुट करूँ माइनस 1, तो यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 1 यानी माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो गया, जो कि RHS में लिखा हुआ है। यानी ऐसे क्वेश्चंस में जो x की वैल्यू आती है वो ऑलवेज आएगी माइनस 1। अब जो भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, जो भी निकालना है हमें, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है x की पावर 30 प्लस 1 डिवाइड बाई x की पावर 19, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें इस क्वेश्चन में। इफ़ दिस कंडीशन इज गिवन देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस टर्म, तो यहाँ पर क्या होगा, x की वैल्यू जो है वो है माइनस 1, तो माइनस 1 की पावर कितनी आ गई 30 प्लस 1 डिवाइड बाई x, x यानी माइनस 1 उसकी पावर है 19। एक और बात याद रखनी है हमें कि अगर 1 की पावर माइनस 1 की पावर इवन होती है तो आंसर जो होता है वो 1 आएगा, लेकिन अगर माइनस 1 की पावर ऑड होती है तो आंसर जो होता है वो माइनस 1 आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 30 जो कि एक इवन नंबर है, तो इसका आंसर आएगा प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 1 की पावर 19 है, 19 क्या है एक ऑड नंबर है, तो इसका जो आंसर आएगा वो माइनस 1 होगा। तो यहाँ से प्लस 1 ये 1 को ऊपर ले आए माइनस 1 कितना आंसर 0, तो ऐसे हमारा आंसर आता है 0। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।